नमस्कार दोस्तों, द कृषि चौपाल के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तेज तूफान आने को लेकर मौसम विभाग ने अभी अभी एक बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट की माने दोस्तों तो देश के कई राज्यों में आज 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान आने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय मौसम को लेकर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने जानकारी दी कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज रात तक तेज आंधी तूफान का दौर जारी रहने वाला है और इसमें कहा गया कि कई स्थानों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। आज और अगले दो दिनों का मौसम अपडेट आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देश के सभी राज्यों के मौसम का ताजा अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार आज और कल देश के कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी तूफान के साथ ओले गिर सकते हैं, जिसके कारण भीषण लू से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। तो वहीं कई स्थानों पर तेज तूफान और ओले गिरने से लोगों को परेशानी होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने एक नया अपडेट जारी करते हुए बताया कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तेज बारिश के साथ कई स्थानों पर आंधी तूफान आ सकता है। आईएमडी के मुताबिक देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में अगले दो दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश को लेकर भी एक रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने जानकारी दी कि इन राज्यों में आज रात तक बारिश हो सकती है, तो वहीं कई जगहों पर कल भी बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग ने जानकारी दी कि इस दौरान इन राज्यों में तेज मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने और कई स्थानों पर ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर ओले पड़ने की संभावना है, तो वहीं एक दो जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब में आज रात को कई जगहों पर ओले गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख एवं हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने जानकारी दी कि यहां पर कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने गंगेय पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उप हिमालय, तमिलनाडु, सिक्किम, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान चलने और बारिश होने का पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों के मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण अगले दो दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश, आंधी तूफान और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों अगर राजस्थान के मौसम की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बड़ा बदलाव आने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि आज रात को पंजाब और हरियाणा में छिटपुट बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है, तो वहीं स्काईमेट वेदर एजेंसी की रिपोर्ट की अगर माने दोस्तों तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छिटपुट बारिश और मेघ गर्जन की संभावना जताई गई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ हिस्सों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। अरुणाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहां पर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में भी हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई स्थानों पर मौसम विभाग ने जानकारी दी कि इस दौरान तेज आंधी के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में आंधी तूफान और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने एक रेड अलर्ट भी जारी करते हुए जानकारी दी। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक
केरल और तमिलनाडु में आज और कल गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना भी इस दौरान करना पड़ सकता है। आईएमडी की अगर माने दोस्तों तो मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में भयंकर लू अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चल सकती है। इसके अलावा यदि बात करें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी कई जिलों में लू चलने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। हवा की रफ्तार इस दौरान मौसम विभाग ने बताया कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। आईएमडी ने जानकारी दी कि अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका है। तो वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश को लेकर यहां पर एक अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज रात को संभावना जताई गई है कि इन राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में आज और कल मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने एक नया अपडेट जारी करते हुए जानकारी दी कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण हीटवेव चलने की संभावना तो कम है और तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि आज रात और कल देश के कई राज्यों खास तौर पर पंजाब और हरियाणा में आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली में अगले 24 घंटों के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लगभग 12 जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ओले और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के कई जिलों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक भी जा सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि कल पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु, केरल, गोवा, असम, मेघालय में उमस भरा दिन रहने की जानकारी मौसम विभाग ने बताई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में हीट वेव का दौर जारी रहने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि इन राज्यों में आज और कल 2 दिन तक हीट वेव चलेगी, तो वहीं उत्तराखंड में बारिश के साथ ओले गिरने को लेकर जानकारी मौसम विभाग ने दी है। छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में 1 मई को भयंकर बारिश जिसमें ओले गिरने को लेकर भी मौसम विभाग ने जानकारी दी है।